यहाँ पर मैंने पीनट्स ली है और पीनट्स को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी हेल्दी एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी। फेस्टिवल सीजन है, बहुत ज्यादा बाहर का खाया जाता है, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और मिठाइयाँ इतनी सारी खा ली हैं, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए कुछ हेल्दी भी खाना पड़ेगा। तो उसके लिए आज की वीडियो आप सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने पीनट्स ली है और पीनट जो नॉर्मल होती है वही वाली ली है, उसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ हमने यूज़ किया है आधी कटोरी साबूदाना, और साबूदाना को आप देख सकते हैं जितना साबूदाना है उतनी पानी डाल दिया है हमने, और इसे अब कम से कम हम 3-4 घंटे के लिए डिप करके रखेंगे पानी के अंदर। देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक के लिए कुक नहीं करेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इसे बस हल्की सी हीट दी है, उसके बाद अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक मैं बता दूँ, साबूदाना जैसा कि आपने देखा मैंने रात भर पानी में भिगोया था, और कितना अच्छा खिला खिला वाइट वाइट सा ये दिख रहा है। और अगर आप, मैं एक साबूदाना आपको यहाँ पर हाथ में दबा कर दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट ये सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए, इसी तरह का साबूदाना चाहिए था। और पानी की क्वांटिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, साबूदाना भिगोते टाइम जितना साबूदाना है उतना ही पानी होना चाहिए, और कम पानी में हमें इसे डिप करना है, तभी इस तरह से खिला खिला आपका साबूदाना बनकर तैयार होगा। और साबूदाना के साथ मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। तो चलिए फटाफट से करते हैं आगे का प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो मूंगफली है, आप चाहें तो इनके छिलके उतार के इसे आप मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड करें, या आप छिलकों के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से ये ठंडे हो चुके हैं और मैं इनका छिलका हाथ से उतार लूंगी। हमने इसका छिलका उतार लिया है, तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ साबूदाना, और इसके बीच में हम ऐड करेंगे मूंगफली जो हमने ग्राइंड करी थी। देखिए, मुझे मूंगफली का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारी डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बीच में हम डाल देंगे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को यहाँ पर मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालूंगी। साथ में आप डाल सकते हैं ढेर सारा धनिया काट के, हरा धनिया का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसके बीच में। एक हरी मिर्ची डाल दी है, और थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे इसके बीच में बारीक कटा हुआ। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद 2 उबले हुए आलू का यूज़ किया है मैंने, और 2 उबले हुए आलू इसके बीच में क्रश करके डालेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर में ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से हाथों में क्रश करके इसके बीच में डाल रही हूँ, और अब इसे बहुत ही बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से तो नहीं करेंगे इसे मिक्स, ताकि जो इसकी साबुदाना है बिल्कुल खड़े खड़े से रहें इसी तरह। आलू से क्या है, इसके बीच में बहुत ही बढ़िया सी बाइनिंग आ जाती है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा हमने यहाँ पर इसका डो बनाकर तैयार कर दिया है। तो चलिए, पहले तो मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करते हैं। डो रेडी हो चुका है, और अब मुझे फ्राई करके तो नहीं खाना, क्योंकि इतना फ्राई खा चुकी हूँ, फ्राई करने का मन नहीं है, और क्या करूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टोस्टर का, यहाँ पर ग्रिल वाला टोस्टर है मेरे पास, तो इसके अंदर आज बनाकर देखते हैं कैसा बनता है। तो क्या करेंगे, पहले लेंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, बिल्कुल जरा सा। यहाँ पर हमें ना बहुत ज्यादा ऑयल का जरूरत नहीं है, तो बहुत कम ऑयल में बन जाएगा। ट्राई कर रहे हैं क्या बनता है, देखते हैं अच्छा बनेगा या नहीं बनता। ऑयल लगा दिया है, ऑयल लगाने के बाद इसके बीच में हम साबूदाना का जो हमने डो बनाया है उसको हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए हैं हम इसके बीच में रखेंगे और इसे सेट कर देंगे। अब साइज आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा छोटा जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। एक मैं पूरा शेप दे रही हूं इसकी। जब आप इसे ग्रिल करेंगे तो देखेंगे कि नीचे से तो ग्रिल वाला डिजाइन आएगा ही आएगा, और ऊपर से भी ग्रिल का डिजाइन आ जाएगा। तो यहां पर इसके बीच में मैंने लगा दिया है अपना साबूदाना का डो, और इसे हम
हल्का सा ऑयल ऊपर भी लगा लेंगे, बिल्कुल हल्का सा ऑयल, ताकि ये चिपके नहीं इसके बीच में। लगाने के बाद इसे कर देंगे बंद और इसे कुक करेंगे। तो है ना बहुत ही बढ़िया आइडिया, बिना ऑयल के अगर आपको खाना हो तो आप इसके अंदर भी कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार इसे खोल के देख लेते हैं। वाओ कितना बढ़िया कलर आया है, काफी अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, और आपने देखा बिना ऑयल के हमने ये साबूदाना का बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है मुझे। बाकी का डो पड़ा है, बाकी का डो भी तैयार करते हैं अभी धीरे धीरे, जब तक इसे मैं खाकर टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत गर्म है अभी तो, बहुत ज्यादा गर्म है, एकदम गरम गरम, और इतनी मुझे क्रेविंग हो रही है इसे खाने की। बहुत बढ़िया बना, बहुत टेस्टी है। और जब आपको भी कुछ ना समझ आए, कुछ हेल्दी खाने का मन हो, तो जरूर ट्राई करें। और ट्राई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप टोस्टर में बना सकते हैं, आप इसे चाहे तवे के ऊपर बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो चलिए जब तक मैं बाकी का डो बनाकर तैयार करती हूँ, आप फटाफट से अपने घर पर जाएं और रेसिपी को ट्राई जरूर करें।